आप यहाँ इस वक्त सब खैरियत तो है? अस्सलाम वालेकुम, मैं एक्चुअली सबीन से मिलना चाह रहा था। सबीन बाजी से इस टाइम पर? वो तो अपने रूम में चली गई हैं। एक्चुअली मुझे सबीन से एक बहुत जरूरी बात करनी थी, इस वजह से मैं इस वक्त आया। कासिम, मैं आपसे कह रही हूँ ना, वो अपने रूम में चली गई है। हो सकता है इस टाइम तक तो सो भी गई हूँ। ये कोई मुनासिब वक्त तो नहीं है ना किसी को डिस्टर्ब करने का। आई नो, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ, इतजा की हालत देखी नहीं जा रही मुझसे, वो बेचैन है, इसीलिए मैं इस वक्त यहाँ पर सबीन का जवाब लेने के लिए खड़ा हूँ। क्या बात की कोई सबीन ने आपसे, कुछ फैसला लिया उसने इस बारे में? सबीन पाजी ने तो अपना फैसला भी किसी को भी नहीं सुनाया। उनकी तबीयत काफी खराब है और बेहतर यही है कि वो थोड़ा आराम कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालत में वो अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर सकती हैं। हाँ आई नो, लेकिन आप काइंडली उनसे, अगर आपकी बात हो तो आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करिएगा कि वो जो भी हो वो अपना फैसला इत्तेज़ा के हक में ही दें, क्योंकि मैं जानता हूँ उसे, वो टूट जाएगा बिल्कुल, बहुत प्यार करता है वो सबीन से, आप समझ रही हैं ना? कासिम, मैं बस कोशिश ही कर सकती हूँ, फैसला तो सबीन बाजी का ही होगा। हाँ बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, लेकिन चलें, थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेरी हेल्प की। आज हम आपको थैंक यू। आप ठीक हैं? आपको लगी थी? मैं ठीक हूँ। खुदा हाफ़िज़। Assalamu alaikum. Please subscribe to AY Digital YouTube channel for amazing content.